Hello students, today we are going to discuss some graph of a particular object that is maybe in motion or maybe in rest condition, and its motion may be uniform otherwise non-uniform. So first point is that draw the x versus t graph with respect to the positive, negative and zero velocity. यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट है वो जिस तरह से भी मोशन कर रहा है अंदर या तो फिर रेस्ट कंडीशन में, उसके हिसाब से आपका x versus t का ग्राफ होगा तो होगा क्या अंदर, बराबर। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट बराबर कोई फिक्स वेलोसिटी से अपना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है अंदर, बराबर, यानी कि उसकी वेलोसिटी की वैल्यू फिक्स है और पॉजिटिव है, तो उसका मतलब क्या है कि वो टाइम के साथ अपना जो भी डिस्टेंस ट्रैवल करे वो इक्वल ट्रैवल करेगा, बराबर। पहले 2 किया, फिर 4 होगा, फिर 6 होगा, फिर 8 होगा अंदर, समझ में आ रहा है। तो उसके लिए जो ग्राफ हमारा बनेगा वो क्या बनेगा, पहला वाला बनेगा, बराबर। फिर दूसरा केस आता है कि अगर हमारा वेलोसिटी नेगेटिव टाइप का होता है, यानी कि टाइम के साथ वेलोसिटी की जो वैल्यू है वो क्या बोल रहे हैं, नेगेटिव बोल रहे हैं, यानी कि आप यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट बोल रहे हो वो डिस्प्लेसमेंट आपको नेगेटिव मिल रहा है, तो उसका मतलब क्या हुआ कि आपको 6 में से 4 मिलेगा, 4 में से 2 मिलेगा, उल्टा जाएगा और कुछ नहीं। तो यहाँ पे आपका ग्राफ का जो नेचर है वो क्या होगा, इंक्रीजिंग स्लोप नहीं आएगा, डिक्रीजिंग स्लोप आएगा अंदर, समझ में आ रहा है सबको इतना पार्ट, यस और नो। और अगर कोई ऑब्जेक्ट बराबर जीरो वेलोसिटी कर रहा है, यानी कि रेस्ट कंडीशन में है, क्योंकि वेलोसिटी नहीं है तो उसका मतलब तो रेस्ट हुआ ना अंदर, बराबर। तो अगर वो ओरिजिन पे होगा तो आपको ये एक्सिस ड्रॉ करनी है, और अगर वो ओरिजिन से कोई एक्स डिस्टेंस पे है तो आपको इस तरह से लाइन ड्रॉ करनी है, और ये लाइन आपकी एक्स एक्सिस के साथ क्या होनी चाहिए, पैरेलल होनी चाहिए अंदर, समझ में आ रहा है। अगर कोई ऑब्जेक्ट नॉन यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है तो जैसा भी कर रहा है, इंक्रीजिंग वाला कर रहा है, डिक्रीजिंग वाला कर रहा है, जो भी कर रहा है, वो आपको सिंपली इस तरह से ड्रॉ कर देना है अंदर, बराबर। उसके लिए कोई लाइन फिक्स नहीं होगी, जिस तरह से वो ट्रैवल कर रहा है उस हिसाब से आपको यहाँ पे पॉइंट्स ड्रॉ करने होंगे अंदर, समझ में आ गया कि ना आ गया सबको, बराबर। नेक्स्ट जो ग्राफ आता है वो एक्सेलरेशन के रिगार्डिंग है, बराबर। तो एक्चुअल में है क्या कि बहुत सारे ग्राफ है आपके टेक्स्ट बुक के चैप्टर में डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में टुटक टुटक करके दे दिए गए हैं, तो यहाँ पे हम उसका सबका सर्वे करके एक वीडियो में कवर करने का ट्राई करते हैं, ताकि आपको 1 मार्क्स में या 2 मार्क्स में कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आप क्विकली उसका आंसर दे पाए अंदर। अब दूसरा बोल रहा है कि वी हैव टू अगेन ड्रॉ द ग्राफ ऑफ एक्स वर्सेस टी बट फॉर द पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो एक्सेलरेशन। अब हमको एक्सेलरेशन के हिसाब से ग्राफ ड्रॉ करने हैं, बराबर। तो यहाँ पे अगर आप अपना एक्सेलरेशन पॉजिटिव ले रहे हो, उसका मतलब क्या है कि आपकी जो भी नेक्स्ट वेलोसिटी मिलेगी वो इनिशियल वेलोसिटी से क्या होगी, वे ग्रेटर होगी अंदर, समझ में आ रहा है सबको इतना पार्ट, बड़े। एक्सेलरेशन का मतलब क्या है, चेंज इन वेलोसिटी, यानी कि आपकी वेलोसिटी बदल रही है, पॉजिटिव, तो उसका मतलब क्या है कि नई वेलोसिटी आपको ज़्यादा मिल रही है अंदर, बराबर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई पहले इंटरवल में आपके ऑब्जेक्ट ने जो भी डिस्टेंस ट्रैवल किया उसके बाद का इंटरवल लो और उतना ही इंटरवल जितना पहले लिया था, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे अगर वो 10 मीटर ट्रैवल कर रहा है तो यहाँ पे वो क्या मे बी 12-13 मीटर ट्रैवल करता होगा अंदर, समझ में आ रहा है, बराबर। वेलोसिटी क्या हुई यहाँ पे, इंक्रीज हुई, तो पहले जो वेलोसिटी उससे नई वेलोसिटी ज़्यादा है, तो बट ऑब्वियस है कि वो सेम टाइम में ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगा कि नहीं करेगा अंदर, बराबर। इसलिए यहाँ पे आपका डिस्टेंस का जो इंक्रीजिंग वैल्यू है अंदर, बराबर, वो क्या होता है, फैक्टर के हिसाब से इंक्रीज होता है जिस तरह से वेलोसिटी बढ़ती है, और ये लीनियरली नहीं है, इसलिए इसका ग्राफ क्या आएगा, ऐसा कर्वेचर वाला आएगा जो आपको टेक्स्ट बुक में इस तरह से कुछ दिया गया, ऐसा बोल सकते हैं कि सीधा बाउल रख लो, अपना काम हो गया अंदर, बराबर। उसी तरह से अगर आप नेगेटिव एक्सेलरेशन ले रहे हो तो उसका मतलब क्या है, वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, यानी कि पहले जितना डिस्टेंस जो टाइम में ट्रैवल करता था वही टाइम में अब वो डिस्टेंस कम ट्रैवल कर रहा है अंदर, तो आपका ये जो ग्राफ है वो क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा अंदर उसका, सीधी सी बात है ना अंदर, बराबर। और अगर आपका एक्सेलरेशन का वैल्यू जीरो है, उसका मतलब वेलोसिटी क्या हुई, कॉन्स्टेंट हुई, यानी कि वो ऑब्जेक्ट है वो सेम इंटरवल ऑफ टाइम जो भी लोग उसमें ट्रैवल किया हुआ डिस्टेंस क्या होगा, हर बार सेम होगा, तो इसलिए आपको उसका जो भी ग्राफ मिलेगा क्या मिलेगा, लीनियर मिलेगा। क्यों, क्योंकि सब जगह आंसर आपको फिक्स मिल रहा है अंदर, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है अंदर, बराबर। ये सारे ग्राफ आपने 9th में भी स्टडी किए हैं अंदर, बराबर, और फिर से 11th में क्या रिवाइज फॉर्म में हमको यहाँ पे दिए गए अंदर। उसी तरह से आपको एक नेक्स्ट पॉइंट दिया गया कि नाउ एक्सप्लेन द वी वर्सेस टी ग्राफ फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, यानी कि कोई भी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यानी कि जिसका एक्सेलरेशन कॉन्स्टेंट हो, ऐसा मोशन हो, तो उसके लिए वी वर्सेस टी का ग्राफ क्या होगा आपके अंदर, बराबर। तो उसके लिए बात की गई अंदर, तो उससे पहले बात करें, बराबर, कि आपकी वेलोसिटी अगर कांस्टेंट होती है तो आपका ग्राफ ऐसा होगा, बराबर, जो भी वेलोसिटी की वैल्यू होती है वो लिख देनी है, और अगर आपका ऑब्जेक्ट रेस्ट में होगा तो आपको कुछ इस तरह का ग्राफ मिलेगा अंदर, बराबर, क्योंकि वी की वैल्यू तो जीरो रहेगी ना अंदर,
समझ में आ रहा है सबको इतना पार्ट? अभी यहाँ पे यूनिफॉर्मली एक्सेलेरेटर बोला, यानी कि ऑब्जेक्ट एक्सेलरेशन है, बराबर। तो एक्सेलरेशन तीन केसेस का अगेन वही पॉइंट आएगा, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। तो अगर मेरा एक्सेलरेशन पॉजिटिव है तो मतलब मेरी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, तो वेलोसिटी इंक्रीज जो भी इनिशियल होगी उसके बाद मेरी वेलोसिटी इंक्रीज होगी और यूनिफॉर्मली इंक्रीज होगी, तो मुझे ग्राफ क्या मिलेगा, लीनियर मिलेगा कि नहीं मिलेगा अंदर? हाँ के ना। अगर मेरा एक्सेलरेशन का वैल्यू नेगेटिव है अंदर, बराबर, तो यही ग्राफ मुझे उल्टा मिलेगा डिक्रीजिंग वैल्यू के टर्म्स में अंदर, यस और नो, बराबर। और उस हिसाब से आप किस तरह से कौन सी डिरेक्शन में मोशन कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी है, तो भाई वेलोसिटी खुद में भी नेगेटिव हो सकती है, पॉजिटिव हो सकती है। तो कभी कभी क्या होता है कि चलो भाई वेलोसिटी डिक्रीज हुई, यानी कि आप वी माइनस वी जीरो कर रहे हो, तो आपको ये जो सब्ट्रैक्शन वो पॉजिटिव भी मिल सकता है, नेगेटिव भी मिल सकता है, जैसा मिले उसके हिसाब से आपको ग्राफ प्लॉट करना है अंदर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है अंदर, बराबर। तो ये सारे ग्राफ के कुछ पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हैं, आप पढ़ोगे तो आपको 99% पता चल जाएगा कि वो लोग बोलना क्या चाहते हैं, बराबर। क्योंकि यहाँ पे होता क्या है कि अगर आप जा रहे हो उसको पॉजिटिव डिरेक्शन में गिन रहे हो अंदर, तो फिर आप जब आ रहे हो तो वो अपने आप में क्या हो जाएगी, नेगेटिव डिरेक्शन हो जाएगी अंदर। समझ में आ रहा है? तो फिर उसके हिसाब से आपका वेलोसिटी, भले आप कैलकुलेशन पॉजिटिव पर आपकी डिरेक्शन नेगेटिव है, तो वही वेलोसिटी की वैल्यू आपको क्या लिखनी पड़ेगी, नेगेटिव लिखनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी अल्टीमेटली क्या है भाई, डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाई क्या है, टाइम है अंदर। समझ में आया कि नहीं आया अंदर? और एक चीज खास ध्यान रखना कि कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट कंडीशन में है और एक्स वर्सेस टी का आप ग्राफ ड्रॉ कर रहे हो, बराबर, तो अगर कोई ऑब्जेक्ट ओरिजिन पे है तो आपको ये लाइन मिलेगी अंदर, बराबर। पर अगर कोई ओरिजिन से जितने भी डिस्टेंस दूर है तो आपको एक्स एक्सिस से पैरेलल कुछ ड्रॉ करना है। उसी तरह से, बराबर, अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट है और उसका वी वर्सेस टी का ग्राफ प्लॉट करना है तो हर बार उसकी लाइन यही आएगी अंदर। समझ में आ रहा है? पर अगर आपका ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो आपका ग्राफ कुछ ऐसा आएगा अंदर, बराबर। तो आप देख सकते हो दोनों ग्राफ दिखने में सेम है, एक्स वर्सेस टी के भी और क्या बोले वी वर्सेस टी के, पर दोनों के अंदर कंडीशन अलग अलग है। समझ में आ रहा है? तो ये डिफरेंशिएशन वीडियो रिवाइंड फ्री प्ले करके समझ लेना अंदर, तो आपको जो भी ग्राफ होगा उसका कंफ्यूजन क्या हो जाएगा, दूर हो जाएगा अंदर। समझ में आ रहा है सबको इतना बार? तो हमने जो भी रिक्वायर्ड ग्राफ थे उसका ओवरव्यू ले लिया अंदर, बराबर। तो आप अच्छे से उसको रिवाइज कर लेना ताकि हम जब भी ग्राफ के बारे में बात करें तो आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन हो नहीं अंदर। ओके, थैंक यू।